मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। चलिए हम ग्रामर का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज़ किए जाएं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे, उन्हें हम रीड करते हैं। चलिए, रीति इज अ गुड स्टूडेंट। रीता कंप्लीट्स हर वर्क एवरी डे। अब यहाँ पे रीता वो एक गुड स्टूडेंट है क्योंकि वो अपना सारा काम जो है समय पर ख़त्म करती है। लेकिन दो अलग अलग सेंटेंस हैं। रीता इज़ ए गुड स्टूडेंट। रीता कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। यहाँ पे रीता हैज़ मैनी फ्रेंड्स। रीता ऑल्सो डांसेस वेल। अब रीता के बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। रीता डांस भी बहुत अच्छा करती है। हियर रीता हैज़ बीन यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, रीता और रीता बार बार उसका नाम कंटिन्यू लिया जा रहा है। डोंट यू थिंक दिस सेंटेंस साउंड ऑकवर्ड। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का बार बार एक ही सेंटेंस में बार बार नाम आ जाए तो वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। नाउ रीड दिस सेंटेंस इज गिवेन बिलो। अब उसका सेंटेंस जो है उसको हमने थोड़ा सा बदल दिया और वो नीचे दिया है। रीटा इज़ ए गुड स्टूडेंट। शी कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। शी ऑल्सो डांसेस वेल। अब यहाँ पे जो था उसी को हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने प्रोनाउन लगा दिया। रीटा की जगह यहाँ शी लगाया, यहाँ भी शी लगा दिया और यहाँ भी शी लगाया। तो ये हो गया सेंटेंस को अब थोड़ा सा साउंड करना इजी हो जा रहा है। इन दिस सेंटेंसेस रीटा हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय विद शी। अब यहाँ पे सेंटेंस में हमने रीटा की जगह पर शी लगाया है। नाउ द सेंटेंसेस आर परफेक्ट। अब ये सेंटेंस एकदम सही रूप ले लिए हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। अब उनमें सबके बारे में अलग अलग दिया है। चलिए अब पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये इसके डेफिनेशन है, आपको ये याद भी करनी है, लिखनी भी है। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस ऑफ पर्सन्स एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी भी व्यक्ति के, जानवर के या चीज़ों के नाम के पर्सनल यानी कि उनके पर्टिकुलर नाम लेके ही बोला जाए उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। एग्जांपल देखिए, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। पिक इट अप। ये बुक यहाँ टेबल पर है, उठा लो। हियर इट स्टैंड्स इन द प्लेस ऑफ बुक। यहाँ पर इट जो है वो बुक की जगह पर है। इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन और इसीलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा गया है। देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अ पर्सनल प्रोनाउंस के तीन फॉर्म्स होते हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये तीन होते हैं उसके रूप। अब रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अमन एंड वरुण। अमन और वरुण के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही, बातचीत चल रही है। वो क्या बातचीत है वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे।